दुख की बात है कि 2 तारीख के बाद 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख जो कर्मचारियों ने भाग लिया उनको परेशान किया जा रहा है और थाने में ले जाके पीटा जा रहा है जो आंदोलनकारी थे और उनके ऊपर फर्जी केसेस लगाए जा रहे हैं। बाड़मेर से और जालौर से, जयपुर से, करौली जो राजस्थान है वहाँ से लोग चिल्ला रहे हैं, फोन पर चिल्ला रहे हैं और ग्वालियर से भी, बुलंदशहर से भी। तो मेरा सरकार से आग्रह है, इसीलिए मैं ट्वीट किया था, आग्रह है कि इसको वो देखे और जो अधिकारी पूर्वाग्रहित हैं, जातिवादी हैं और सामंतवादी हैं, वो लोग अत्याचार कर रहे हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए चुप रहूँ और पार्टी को आगाह न करूँ। मैं पार्टी का शुभचिंतक हूँ और समय पर पहले भी बता चुका था कि 2 साल 1.5 साल पहले भी जहाँ बताना चाहिए था बता चुका था कि दलित आक्रोश में है। तमाम ऐसे भी दलित हैं जो अपना पेट पालने के लिए पार्टी में पड़े हुए हैं कि अगर वो सच्चाई बताएंगे तो नेतृत्व तो उनके खिलाफ चला जाएगा, उनका टिकट कट जाएगा। मैं अपना हित बाद में, पार्टी का हित पहले, सोच और समझ करके इस बात को 2-2.5 साल से रखता आ रहा था और वो गुस्सा फट गया। मैं कोई पेट पालने के लिए पार्टी में नहीं आया हूँ, केवल सांसद के लिए नहीं आया कि मेरा मैं चुप रहूँ, गूंगा बहरा बना रहूँ और पार्टी को सच्चाई न बताऊँ, पार्टी को नुकसान होता रहे इस बात को कि लोग नाराज हो जाएंगे पार्टी का अगर बात उठाऊंगा दलित की, तो मैं पार्टी का सच्चा हितैषी मैं हूँ।